आज हम हैं गांधी के विचारों का संग्रह गांधी संग्रहालय पटना में। जी हाँ दोस्तों, ये गांधी संग्रहालय गांधी मैदान के बगल में है और गांधी जी के शहादत के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में 6 सदस्यीय टीमों के साथ एक कमेटी बनती है, जिसमें निर्णय लिया जाता है कि देश के 6 अलग अलग शहरों में गांधी जी के संग्रह से संबंधित, गांधी जी के विचारों से संबंधित एक संग्रहालय बनाया जाए। उसी में से एक है गांधी संग्रहालय पटना। जी हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ शशिकांत और आप देख रहे हैं भागदौड़ ब्लॉग्स। पुनः आपका स्वागत है, काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं, माफ़ कीजिएगा। और ये जो पूरा आप कैंपस देख रहे हैं, ये गांधी संग्रहालय का कैंपस है। हमारे साथ हैं पुरुषोत्तम जी, आइए हम आपको लेके चलते हैं गांधी संग्रहालय के अंदर और दिखाते हैं कि गांधी संग्रहालय में गांधी जी से संबंधित कितनी सारी चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी किताबें हैं। आइए हम लोग चलते हैं संग्रहालय के अंदर। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो पेंटिंग है यहाँ पे, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एक प्रतीक है, एकता का प्रतीक है और ये गांधी जी के विचारों का प्रतीक है। हमारा हिंदुस्तान है ये प्रतीक। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर हम देखते हैं कि क्या अंकित है। रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी, दो महान मानवतावादियों की आपसी मुलाकात। गांधी जी और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जब जब मुलाकात हुई है, इतिहास के पन्नों से उसको चुन के यहाँ पे लिखा गया है। पहली मुलाकात गांधी जी की 1915 में 6 मार्च पहली बार दोनों मिले 6 मार्च 1915 को पहली बार दोनों मिले। गांधी जी 6 मार्च से 10 मार्च तक शांति निकेतन में रहे। फिर आगे कब कब उनकी मुलाकात हुई है, किन किन अवसरों पर मुलाकात हुई है, यहाँ पर विस्तार से अंकित किया गया है, ये आप देख सकते हैं। गांधी के विचारों को सहेजते हुए जितनी भी किताबें लिखी गई है वो गांधी साहित्य केंद्र पे उपलब्ध है। आइए हम दिखाते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी किताबें यहाँ पे अभी मौजूद है। कोई नहीं है फिलहाल, यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि गांधी जी से संबंधित जितनी भी किताबें हैं, उनके विचारों से संबंधित जितनी भी किताबें हैं, यहाँ पे अलग अलग लेखकों की ये किताबें हैं। और आप यहाँ भी देख सकते हैं बापू के आश्रम, महात्मा गांधी, गांधी जी मानवता के नायक, प्रार्थना प्रवचन, अछूत मतवाद के सच, गांधी जी स्मृति लेखों का आलोक, इस तरह की बहुत सारी किताबें यहाँ पे उपलब्ध हैं। आइए आगे दिखाते हैं कि गांधी जी के कुछ विचार जो हैं यहाँ पे लिखे गए हैं दीवारों पे और पोस्टरों पे, हम आपको दिखाते हैं। गांधी ने कहा था कि दुनिया को युद्ध नहीं शांति चाहिए। और भी इनके विचार हैं, परमाणु युग में अहिंसा। गांधी जी को सत्य अहिंसा का पुजारी के रूप में पूरी दुनिया जानती है। और आइए देखते हैं कि अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। अब हम आ गए हैं संग्रहालय के गेट पे और गांधी जी से संबंधित जितनी भी दस्तावेज है इस संग्रहालय के अंदर मौजूद है। आइए हम आपको दिखाते हैं, ये आप देख सकते हैं मोहन से महात्मा की जो यात्रा है और उस यात्रा के बारे में विस्तार से इस संग्रहालय में दिखाया गया है। आइए हम आपको लेके चलते हैं। अंदर आएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम भरना पड़ता है। आप यहाँ पे अपना नाम भर दीजिए और मैं कहाँ पे लिखे है? ये तो खाली है, चलिए हम भरते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं। ये है गांधी जी से संबंधित दस्तावेजों का संग्रह। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गांधी जी की जन्मस्थली, उनकी वंशावली और पढ़ाई के स्कूल और कॉलेज से संबंधित सारी जानकारियाँ यहाँ पे हैं। गांधी जी की वंशावली है, ये गांधी वंशावली आप देखें कि उनके वंश में रईदास गांधी, हरजीवन गांधी, उत्तम चंद्र गांधी, करमचंद गांधी, लक्ष्मीदास, करसन दास, मोहनदास, पत्नी कस्तूरबा गांधी, ये महात्मा गांधी के बारे में है। पोरबंदर गुजरात में वो घर जहाँ 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ, वो कमरा जिसमें गांधी जी पैदा हुए, स्वास्तिक का चिन्ह निश्चित स्थान को सूचित करता है। ये जो आप स्वास्तिक की तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर के अनुसार कहा जा रहा है कि यहीं पे महात्मा गांधी का जन्म हुआ। ये राजकोट का घर है उनका और ये गांधी जी का कमरा है। ये पूरा उनके परिवार और गांधी जी की छोटी सी यात्रा वर्णन है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी की जो प्रमुख ऐतिहासिक स्थल रहे जहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की, उसका दस्तावेज यहाँ पर है। आगे आइए हम आपको दिखाते हैं, ये भी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा है उनकी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह से संबंधित जो भी
अखबार में उस समय न्यूज आया था, वो खबर यहाँ पे प्रकाशित है। प्रथम असहयोग खिलाफत आंदोलन के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह जो आंदोलन हुआ था, यह एक ऐतिहासिक आंदोलन था और उस आंदोलन के बारे में संक्षिप्त में यहाँ पे दिखाया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं, गांधी जी का जो कमरा था, बापू का जो कमरा था, उसको यहाँ पे एक रिक्रिएट किया गया है, आप ये कह सकते हैं। ये कमरा जो है बापू का कमरा लिखा हुआ है और बाजू में यहाँ पे बापू की तस्वीर है, ये आप देख रहे हैं। तकिया है उनका, डंडा है उनका, चरखा है छोटा सा, और ये लिखने पढ़ने के लिए, और गांधी जी के हाथ में जो गीता और क्या कह सकते हैं उसको, माला रहता था, वो यहाँ पे रखा हुआ है, ये रिक्रिएट किया गया है। और आगे आए तो इधर आप देख सकते हैं कि नोवाखाली में गांधी जी की यात्रा के बारे में लिखा गया है। गांधी जी बिहार जब आए थे, जब जब बिहार आए थे, पटना में गांधी जी आए थे, उसके बारे में 1917 अप्रैल, 10 मई, 9, 10, 29 जून, 2, 7, 8, 27 अगस्त, 17 नवंबर, 7, 8, 1917 से लेके 1947 तक की जो यात्रा है, जो महात्मा गांधी पटना आए थे, उसके बारे में यहाँ पे विस्तार से बताया गया है इस दस्तावेज में। आगे आए तो हम देखते हैं कि गांधी जी कुछ विशिष्ट लोगों के साथ उनकी जो यात्रा रही है, उनके जो कार्य रहे हैं, ऐतिहासिक कार्य, वो इस तस्वीरों में अंकित किया गया है। गांधी जी कस्तूरबा गांधी जी के साथ हैं इसमें, मदन मोहन मालवीय जी के साथ हैं, महादेव देसाई जी के साथ हैं, सुभाष चंद्र बोस के साथ उनकी तस्वीर है, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के साथ हैं। और आगे आए तो गांधी जी के बारे में इस कमरे में भी, ये जो आप देख रहे हैं, बिहार मेरी कर्म भूमि, गांधी कहते हैं कि बिहार मेरी कर्म भूमि है, और बिहार को इस रूप में परिचय करवाते हैं। महात्मा गांधी जब बिहार आते हैं तो उसकी कुछ झलकियाँ इस कमरे में, इस ऐतिहासिक कमरे में संग्रहित की गई है। आप यहाँ देख सकते हैं कि बिहार का एक अलग प्रांत के रूप में उदय, और उसमें गांधी जी का जो भूमिका रहा है, यहाँ पे अंकित किया गया है। ये बिहार है, बिहार का जो मैप है, ये पूरा नक्शा बिहार का है और बिहार के बारे में दिखाया गया है। आगे आए, इसमें पटना के कुछ ऐतिहासिक धरोहर जो हैं वो यहाँ पे अंकित किया गया है। क्रांति का प्रभाव बिहार में क्या रहा आज़ादी के समय में, उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। और जो डाक टिकट्स महापुरुषों पे जारी किया गया था भारत सरकार के द्वारा, वो इस बोर्ड में दिखाया गया है। गांधी जी कहते हैं कि चंपारण ने मुझे हिंदुस्तान से परिचित कराया। जब जब गांधी बिहार आए, तब उसमें से कुछ आंदोलन की तस्वीरें यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार के बारे में इसमें दिखाया गया है। और आइए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे एक दस्तावेज है, संविधान सभा द्वारा स्वीकृत मूल संविधान। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये संविधान सभा द्वारा स्वीकृत मूल संविधान की एक प्रति यहाँ पे रखी गई है। अभी हम लोग जा रहे हैं सत्याग्रह भवन में। ये है अंबर चरखा, 6 टकुआ का चरखा इसको कहा जाता है, और ये बहुत ही पुराना है, ऐतिहासिक है। और आगे और भी चरखा है, जैसे जैसे देश आगे बढ़ता गया, आइडियाज आते गए, चरखा का स्वरूप बदलता गया। किसान चरखा है ये, उस समय इस तरह से छोटा सा चरखा हुआ करता था। ये जो देख रहे हैं, ये चक्की है और जिसपे ये घड़ा, खपरा या दीप बनता है। कुम्हार जो हमारे भाई होते हैं, जो मिट्टी से बनाते हैं, वो चाक या चक्की जिसको कहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं वो तस्वीर जिससे घड़ा बनाया जाता है, वो चाक वो है। ये चक्की है, ये बाली है, आप जो देख रहे हैं मक्का का, गेहूँ पीस रही हैं आटा निकालने के लिए। अंबर चरखा है, 6 टकुआ वाला ये। और आइए यहाँ पर देखिए, ये भी अंबर चरखा है, 6 टकुआ वाला, पूसा रोड मॉडल है ये। इसको जो देख रहे हैं आप, ये अंबर चरखा है, लेकिन ये 12 टकुआ वाला अंबर चरखा है, ये मसलीन पूसा रोड मॉडल है। आइए आगे और दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पे जो बोर्ड पे देख रहे हैं, पूरे इस कमरे में गांधी जी के जो विचार हैं वो अंकित है कि जीवन की आवश्यकताओं को पाने का हर एक आदमी को समान अधिकार है। समानता का अधिकार की बात करते हैं गांधी। और ये देख रहे हैं, इस पर भारत कृषि प्रधान देश है,
उसका एक झलक इस पे है, ये ओखली और मूसल है। आगे आए तो आप देखते हैं कि ये जो है ये भी एक चरखा है और ग्राम निर्माण मंडल सर्वोदय आश्रम सुखो देवरा कौवाकोल जिला नवादा बिहार द्वारा निर्मित है। ये त्रिपुरारी मॉडल बोलते हैं इसको, ये भी चरखा है, ये नया मॉडल है, अभी का विकसित मॉडल है। और इधर आए तो आप देखते हैं कि ये चक्की है जिसपे माँ बहनें गेहूँ पीसती हैं और इसे आटा निकाला जाता था। हल है ये चरखा है और ये करघा है। आप उस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि किस तरह से करघा का प्रयोग किया जा रहा है। आप इधर आए तो ये देख सकते हैं कि ये भी त्रिपुरारी मॉडल चरखा है जो 6 तकुआ का है। इसको चला के देख सकते हैं क्या, इसको थोड़ा सा चला के देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये ऐसे चलता है और इससे धागा बनता है, ये आप देख सकते हैं धागा, और अंदर पे रोल हो रहा है, इस तरह से ये चलाया जाता है। ये है त्रिपुरारी मॉडल चरखा 8 तकुआ का। आगे आए, यह है धुनकी। धुनकी जिससे ठंड के समय में गद्दा बनाया जाता है, जिससे रुई धुनी जाती है, धुनकी है ये। ये भी किसान चरखा है और ये पेटी चरखा है। देश में कितने प्रकार का चरखा है उससे संबंधित पूरी जानकारी इस कमरे में है। आगे आए तो हम आपको दिखाते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत सा कैंपस है गांधी संग्रहालय का, बहुत ही हरा भरा, बहुत ही साफ़ सुथरा। यहाँ के अधिकारी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, और कभी आपको मौका मिले तो यहाँ ज़रूर आइए। ये है पूरा गांधी संग्रहालय। सामने जो तस्वीर देख रहे हैं उसमें दिखाया गया है कि गांधी जी को जानवरों से कितना प्रेम था। ये हरियाली देखिए बहुत ही खूबसूरत है, आपको बहुत ही आनंद आएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए होमेज टू महात्मा कुटीर का उद्घाटन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा 2 अक्टूबर 2018 को किया गया। आइए देखते हैं कि होमेज टू महात्मा कुटीर क्या है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर है और इसमें जो आप देख रहे हैं तमाम देश दुनिया के नेता, विचारक, उन सब की ये तस्वीर है। बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है गांधी जी के याद में। तो ये था दोस्तों गांधी संग्रहालय और गांधी संग्रहालय के बारे में, गांधी जी के विचारों के बारे में, और गांधी जी से संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं उसको आपने भी देखा। अगर आप गांधी संग्रहालय नहीं घूमे हैं तो अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, दोस्त मित्रों के साथ, सखी सहेलियों के साथ ज़रूर यहाँ पे आएँ। भागदौड़ ब्लॉग के साथ आप बने रहिए और देखते रहिए हमारा वीडियो। धन्यवाद।